हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको फोन में पूरी सिंपल तरह से अपने फ़ोन के कोई भी पिक एंड वीडियो हाइड कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो आपको जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में अपने फ़ोन के कोई भी पिक एंड वीडियो हाइड करने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है फाइल नेम से। तो फ्रेंड, आप सबसे पहले अपने फ़ोन में फाइल को ओपन कर लेंगे। फाइल को ओपन करने के बाद में यहाँ से आपको सेव फोल्डर पे क्लिक करना है। सेव फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पिन डालना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड बैक होएगी। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको आपके फ़ोन में जितने भी पिक एंड वीडियो होती है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। जो भी आप हाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मूव टू सेव फोल्डर का, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अपना ओल्ड पिन एंटर करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में देखिए फ्रेंड, यहाँ से आपके फ़ोन की पिक हाइड हो जाती है। जो भी पिक आप हाइड करते हो वो आपको गैलरी में देखने को नहीं मिलती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से कोई भी पिक कोई भी वीडियो हाइड कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।